एक बार की बात है, एक बार कुछ संत जन संकीर्तन कर रहे थे, नगर संकीर्तन, और उनके नगर संकीर्तन को ना जाने कितने लोग देख रहे थे अपनी अटारियों पर चढ़ करके। तभी एक गली में होकर के संकीर्तन जा रहा था, संकीर्तन करते हुए जा रहे थे संत वृंद, तो वहां एक वैश्या अपने घर में बैठी थी। उसने खिड़की खोल करके केवल देखना चाहा कि क्या चल रहा है, और उन संतों के उस उत्ताल नृत्य को देख करके, उनके सुंदर भाव को देख करके, वो जैसे उछल उछल करके नाच रहे थे और महामंत्र की ध्वनि गा रहे थे, वो मृदंग की ध्वनि, वो करताल का स्वर, और उन लोगों का ये उन्माद नृत्य देख करके उस वैश्या को पता नहीं क्या हुआ। उसी क्षण उसके नेत्र बंद हो गए, और वो दौड़ करके नीचे आई, और उन संतों के निकल जाने के बाद उनकी जो चरण रज थी वहीं लेटने लगी, वहीं प्रणाम करने लगी, अपने सर्वांगीण अंग को वहीं लिटा करके मानो उनकी चरण रज को अपने तन पर लपेटने लगी। एक संत ने वो दृश्य देख लिया, उसके नेत्रों में आंसू देख करके वे संत उसके पास गए, जाके बोले, क्या बात है, तुम ऐसी क्यों हो रही हो? बोले, महाराज, आप लोगों का ये कीर्तन और नृत्य देख के मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो गया है, क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं, मेरे पास जितना धन है, मेरे पास जितना भी मैंने आज तक कमाया है, मेरे पास जो भी आभूषण है, वो सब मैं आप लोगों को दे दूं या ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। ये उस काल की बात है जब वृंदावन में श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट प्रकट हुए थे, श्री गोविंद देव जी। संतों ने आज्ञा की, बोले, अभी अभी वृंदावन में नए नए ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, श्री गोविंद देव जी, उनको बज्रनाभ ने वर्षों पूर्व बनाया था, फिर भूमिगत हो गए, अब प्रकट हुए हैं, आप जाकर के श्री गोविंद देव जी की सेवा में ये भाव अर्पित कर दो। वैश्या ने जाकर के वृंदावन में गोविंद देव जी के पुजारी जी से कही, पुजारी जी ने उसका परिचय पूछा, उसने झूठ नहीं बोला, सत्य बता दिया कि मैं एक वैश्या हूं, पर मेरा मन अब बदल चुका है, मैं पूर्ण रूपेण समर्पित होने आई हूं, आप ये सारी सामग्री, ये सारा धन गोविंद देव जी की सेवा में ले लो। पुजारी जी ने जैसे सुना वैश्या, बोले, निकलो, बाहर निकलो यहां से, और मंदिर से बाहर करके महाराज पूरा मंदिर धोया, उसको पूरा स्वच्छ करने लगे। बोले, कहां से चले आते हैं पता नहीं लोग, तुम तो यहीं से दर्शन करो, भीतर नहीं आ, तुम्हारे यहां की वस्तु हम ठाकुर जी को थोड़ी देंगे। बंधु, यही वैष्णव अपराध है, आप अपने से ज्यादा सबको श्रेष्ठ मानो, आप स्वयं को किंचित भी श्रेष्ठ मान करके और किसी को अश्रेष्ठ मानते हैं, यह वैष्णव अपराध है। मैंने तो इस बात से एक चीज और सीखी कि मैं जब किसी के घर जाता हूं, उनके घर की सेवा देखता हूं, तो सेवा देख करके मुझे मन में ऐसा आता है कि अगर वो कुछ, क्या क्या है, कीड़ा है, कहां है, बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। भैया, कथा में आने वाले यत्र प्रविष्टो सकलोप जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, कथा में जो कोई भी आ जावे और व्यासपीठ पे आ गए तो समझो ये तो कोई किशोरी जी की सखी होगी। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले, लाला, तो पतो श्रोता कहां पुण्य करें पूर्व जन्म में, जैसे वो श्रोता बन जाए। मैंने कहा, जी नाना जी बताओ। तो नाना जी हमारे कहते, बोले, ये जितने भी श्रोता है ना, ये या पूर्व जन्म में क्या पुण्य करके आए कि इस जन्म में इनको भागवत सुनने को मिल रही है। तो नाना जी कहते, पूर्व जन्म में ये निश्चित ही कोई गांव घर में रहे होंगे, और वह गांव घर में कभी कोई रसिक संत, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, कुम्मन दास जी हैं, नंददास जी हैं, चीत स्वामी जी हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े संत, उनकी कभी दृष्टि पड़ गई होगी आप लोगों के ऊपर,
और उनकी दृष्टि पड़ने का यह प्रभाव हुआ कि उनकी दृष्टि से जो पुण्य आपको मिला उस पुण्य को आप इस जन्म में कथा सुनकर के स्वीकार कर रहे हो, पा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। तो मैंने कहा नाना जी और वक्ता, वक्ता ने ऐसा क्या पुण्य किया कि वो आज कथा का वक्ता बन गया। तो नाना जी हमारे कहते, बोले पूर्व जन्म में कहीं कथा भई होगी और उस कथा में भागवत जी का भोग लगा होगा और उस मीठे भोग के ऊपर चेंटी आकर के बैठ गई होगी, उस चेंटी को किसी ने हटा दिया होगा, हटाने में वो चेंटी मर गई होगी। तो कानों से तो उसने कथा सुनी, जीव से रस चाख लिया और दोनों को पान करते हुए प्राण त्यागे, अंते यामति सागति, अगले जन्म में वही वक्ता बन करके आ गए। समझ में आई बात? मतलब पूर्व जन्म में कानों से कथा सुन रहे होंगे और जीव से प्रसाद पा रहे होंगे, तो जीव से रस ले रहे हैं, कानों से रस ले रहे हैं, दोनों लेते समय प्राण त्याग दिए होंगे, उसी का प्रभाव हुआ कि इस जन्म में तुम वक्ता बन गए। और पंडित जी ने जो कीड़ा आके हटाया है, ये 100 वर्ष बाद इस दरबार में कथा करने आएगा। ये जरूर व्यास जी बनेंगे, क्योंकि वैसे तो जीवित ही हैं, लेकिन कथा तो सुन रहे थे और वो भी इतनी पास से सुन रहे थे, व्यास मंच से ही सुन रहे थे, तो उनका पुण्य तो कुछ बना होगा, इस पुण्य का प्रभाव होगा, वो कभी ना कभी तो वक्ता बनेंगे। ऐसे हमारे पूज्य नाना जी विनोद में कहा करते, जब वास्तविकता तो ये कोई शास्त्र बात नहीं है, लेकिन बड़े लोगों की बातें शास्त्रीय ही होती हैं। हमारे वृंदावन में कोई सेठ गए और सेठ जी जाकर के हलवाई से कहने लगे, राम 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 राम, तुम्हारी मिठाइयों में कितनी मक्खियां भिनभिना रही हैं। हलवाई बोला, ओ सेठ, जे मक्खी ना आए। बोले तो कौन है? बोले ये किशोरी जी की सब सखियां हैं, प्रत्यक्ष आके प्रसाद तो पाना सके, ये हमारी मक्खी बन के आई है प्रसाद पावे। भैया ये वैष्णव का स्वभाव है, वो हर स्थिति में भगवत संबंध ही देखता है, चाहे जो हो जाए आपके साथ में, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, आप हर उस भाव में ठाकुर जी के संबंध की ही चर्चा करो, ऐसा इसलिए हुआ होगा, ऐसा इसलिए हुआ होगा, उसमें कोई संसारी चर्चा नहीं, भगवत चर्चा। ये नियम बनाइए, कभी भी कोई अनहोनी हो, कभी भी कोई होनी हो, उसमें कभी भी ये विचार मत करो कि संसार का कोई प्रकल्प है, निश्चित ही ठाकुर जी की ऐसी इच्छा होगी इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसी विचारधाराएं मन में लाया करो, उससे संसार के विकार से बचे रहोगे। तो यही वैष्णव अपराध है। अब उस वैश्या ने तो रुदन करना प्रारंभ किया, यमुना जी के तट पर बैठी बैठी रोती रही, रोती रही, 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। गोविंद देव जी स्वप्न में प्रकट हो गए और पुजारी जी से जाकर के कहा, बोले हम तुमको कहते हैं, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे यदि तुम अभी इसी वक्त उस वैश्या को लेकर के नहीं आए और उसके द्वारा प्रदत्त जो धन स्वर्ण और जो सामग्री है उनको मेरी सेवा में नहीं लगाया। तो तुरंत पुजारी जी दौड़े दौड़े गए, उस वैश्या के सब सामग्री लेकर के आए, ला करके उनको ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत किया। भगवान ने कहा, इसी की झारी बनवाओ, इसी के लोटा बनवाओ, इसी के सब पात्र बनवाओ, उन्हीं में मेरा भोग लगाया करो। एक तरफ ठाकुर जी का स्वभाव है और एक तरफ हमारा स्वभाव है, ये हम भेद दृष्टि क्यों रखते हैं? ये भेद दृष्टि ही वैष्णव अपराध है और यहीं से ही हमारी भक्ति में ये ऊंच नीच आना प्रारंभ हो जाती है। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ तब मानिए जब आपको किसी अन्य के भावों में, अन्य की स्थिति में अपने से नीचता का दर्शन ना हो, ऐसा ही लगे कि नहीं ये भी श्रेष्ठ है, इसकी भक्ति भाव भी श्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा था, मैं किसी घर की सेवा देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ अपराध है तो बता दो, लेकिन अगर सामान्य सेवा चल रही है तो ज्यादा बीच की बुआ मत बनो, वहां बता के कि ऐसा करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुमको, अरे ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, ये करो। अरे भाई, उसके ठाकुर जी उससे रीझने के लिए उसके घर पर उसके तरह से बैठे हैं, आप ज्यादा क्यों बता रहे हो?
कोई अनवांटेड चीजें लगती हैं कि भाई ये थोड़ी गलत है, इस पर थोड़ा हम बता दें, वो बताइए, बाकी सेवा अपनी जैसी वो करे, ऐसा बिल्कुल भाव मत रखो। तो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतु क्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति, ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम कभी कम ना हो। आप और एक और बात कहें, ये प्रेम केवल ठाकुर जी के प्रति कम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, गुरु के प्रति भी सदा वैसा ही रहेगा, ठाकुर जी के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, लीला के प्रति भी सदा वैसा रहेगा, धाम के प्रति भी सदा वैसा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा तो खूब भाव से कर रहे हैं पर धाम के प्रति हमारी निष्ठा कम हो जाती है, कई बार सेवा भी कर रहे हैं धाम के प्रति भी निष्ठा है पर कथा के प्रति निष्ठा कम हो जाती है, कई बार सेवा भी करते हैं धाम के प्रति भी निष्ठा है कथा के प्रति भी निष्ठा है पर वैष्णवों के प्रति हमारी निष्ठा नहीं हो। ये सारी निष्ठाएं एक रस रहे उसके लिए कभी कोई वैष्णव अपराध मत करो, यही एकमात्र कारण है जिससे आपकी भक्ति उथल पुथल हो जाती है, और कोई कारण नहीं हो सकता।